आज हैप्पी वाला बर्थडे है अदाकारा रति अग्निहोत्री का। ओहो, हैप्पी बर्थडे टू यू रति जी। 10 दिसंबर 1960 को आप बरेली में पैदा हुई थी, लेकिन जो शुरुआत हुई आपके फिल्मी करियर की उससे लगा कि शायद आप साउथ अफ्रीकन साउथ इंडियन हैं, क्योंकि बड़ा कम अरसे में 32 फिल्में आपने की, जिसमें तमिल फिल्में भी रही, तेलुगु भी रही और कन्नड़ भी रही। क्या बात है जनाब। जी हाँ, और जब आपने एक दूजे के लिए फिल्म में डेब्यू किया, हिंदी फिल्मों की अगर बात की जाए, तो खास बात ये थी, इस फिल्म के साथ कई और फिल्मी हस्तियों ने डेब्यू किया था। अब जिसमें थे डायरेक्टर के बालाचंद्रन, हीरो कमल हसन और हीरोइन रति अग्निहोत्री, और गुलूकार एसपी बालासुब्रमण्यम और सपोर्टिंग एक्ट्रेस माधवी ने भी डेब्यू किया था इस फिल्म में एक दूजे के लिए। मतलब देखिए, इसको कहते हैं इत्तफाक कि जी सारे ही नवे नवे, और फिल्म तो हिट रही लेकिन। बिल्कुल, हिट रही और सुपर डुपर हिट रही थी। और इसके अलावा तकरीबन 43 और हिंदी फिल्मों में आपने काम किया। और अगर फिल्मों की बात की जाए तो फर्ज और कानून, कुली, कुछ ऐसी फिल्में रही हैं, यादें और आपके तवायफ साथ है, ऊंची तवायफ है, तवायफ है, बहुत और बहुत अच्छी। बाद में भी उन्होंने जी कैरेक्टर हाँ एक्टर के तौर पर बहुत जी सारी हाँ फिल्में की हैं रति अग्निहोत्री साहिबा ने। काफी जी दिनों के बाद जो दूसरी बारी उनकी शुरू हुई, तो कैरेक्टर जी आर्टिस्ट के तौर पर काफी अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं। जिस फिल्म का आपने नाम लिया उसके लिए उनको बेहतरीन अदाकारा का एजाज भी हासिल हुआ था। ऋषि कपूर साहब के साथ, जी, और असल में एक इसमें महेंद्र कपूर साहब के बड़े अच्छे अच्छे नगमे। जी नगमे हैं, हाँ इसलिए बेशक मुझे ये याद आ गई अचानक जी, फिल्म। और नगमे कहें गजलें, गजलें जी हैं गजलें, खासकर। बड़ी जी जी खूबसूरत गजलें हैं इसमें। जी, और एक दूजे के लिए भी आपको ये एहसास मिला था फिल्म फेयर अवार्ड की अगर बात की जाए तो। मतलब कह सकते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन है। ब्रेन है बाकी। चलिए, तो उनका एक नगमा सुनवा दें। जी जरूर सुनवाइए।